तो वो सियाबोन लेने के बाद तो समझो बिल्कुल ऐसा भूल गए वैसा हो गया वो दर्द। सीढ़ियाँ चढ़ते थे हम, अच्छा बिल्कुल जैसे नॉर्मल लाइफ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन हम अच्छा चल फिर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं आ रहे हैं। बेगम का भी सिया टीका था, फिर उन्होंने भी वो सियाबोन खाने लगे तो थोड़ा बेहतर हो गया, अच्छा ही चल रहे हैं फिर रहे हैं उन्होंने भी, न तो उन्होंने तो बिल्कुल बहुत मुश्किल में थे। नमस्कार, मैं हूँ रिजवान खान। दोस्तों, मौजूदा समय में हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है और उसे रोग मुक्त करने के लिए पूरा परिवार चिंता में लगा रहता है। खुद को स्वस्थ रखना मौजूदा समय में हमारे खान पान की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो पिछले 30 सालों से शारजाह में रहते हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया कि लाइलाज बीमारी या एक ऐसी बीमारी या एक ऐसा रोग जो बहुत मुश्किल से ठीक होता या ठीक नहीं हो पाता, वो भी ठीक हो सकता है हकीम सुलेमान खान साहब की दवाइयों के ज़रिए। हमारे साथ मौजूद हैं रस्तू अली साहब, जो शारजाह में रहते हैं और ये भारत के रहने वाले हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं। आज इनसे हम मुलाकात करेंगे, इनके जीवन को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी हौसला मिलेगा। अगर आप भी रोगी हैं या किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको भी इनकी कहानी सुनने के बाद एक रोशनी की किरण दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं रस्तू अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो बहुत अल्लाह का शुक्र है। तो रस्तू अली साहब, 30 साल से आप शारजाह में रहते हैं और आपका पूरा परिवार यहाँ रहता है, भारत से आप यहाँ पर आए, यहाँ आपने सर्विस की, आप रिटायर भी हो चुके हैं। जी हाँ, ज़ाहिर बात है 63 बरस की आपकी आयु है और इस आयु में भी आप माशाल्लाह अब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है। मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे दोनों बच्चे हैं। जी, सब यहाँ पे सेटल्ड हैं। तो हमने ये सुना था कि आप भी और आपकी बेगम भी, वो भी किसी रोग से पीड़ित थी। जी हाँ, यही बेगम को तो सीआरटी का था जी। और मेरे को जो है रूमेटाइड आर्थराइटिस बोलते हैं जी, तो वो था। काफ़ी इलाज चले, इंजेक्शंस दिए, वो घुटनों में भी कुछ लिक्विड भरे वो लगा, मगर वो कोई काम नहीं आया। ये जब हकीम साहब के नुस्खे हम देखते थे तो वो देख के बहरहाल ढूंढ ढांड के यहाँ पे मिल गया दवा वो जी। तो वो शुरंजान शीरिन नाम है उसका, वो तो उन्होंने उसमें कुछ 5 मिला के दिए थे। उसमें छोटी हड़ है और ऐसे कुछ 5 चीज़ें हैं उसमें, वो मिला के खाते थे हम। फिर उसके बाद में और एक बार जब हकीम साहब के प्रोग्राम में सियाबोन बोल के निकाले थे, तो वो सियाबोन भी बड़ी मुश्किल से वो आपके हकीम साहब के उनके पास यहाँ दुबई में है जी, तो उनको फ़ोन करे तो उन्होंने बोले है, अवेलेबल है, असली मिलेंगे आपको, कोई फिक्र ना करें। तो अच्छा बोल के हम उनसे रबता करें, फिर उसके बाद उनसे वो सियाबोन भी लेने लगे। तो वो सियाबोन लेने के बाद तो समझो बिल्कुल ऐसा भूल गए वैसा हो गया वो दर्द। सीढ़ियाँ चढ़ते थे हम, अच्छा बिल्कुल जैसे नॉर्मल लाइफ हो गई। और उनके जो तरीक़े बताते थे, जो है टॉयलेट में ऐसा बैठे रहना, वो ऐसा नीचे नहीं बैठना, नमाज के दौरान भी आप कुर्सी लेना, तो बहरहाल अच्छे तरीक़े से जो भी उन्होंने बोलते थे वो फॉलो करें हम, वो फॉलो करें। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन हम अच्छा चल फिर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं आ रहे हैं। बेगम का भी सीआरटी का था, फिर उन्होंने भी वो सियाबोन खाने लगे तो थोड़ा बेहतर हो गया, अच्छा ही चल रहे हैं फिर रहे हैं उन्होंने भी, न तो उन्होंने तो बिल्कुल बहुत मुश्किल में थे जी। ये बताइए, जब आपको ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई, घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ, तो कितनी तकलीफ़ होती थी और कितने साल पहले ये समस्या आपको शुरू? ये ऑलमोस्ट अबाउट 5 ईयर्स प्लस हो गया। तो मैं जो है जब चलता था और बैठना उठना बहुत मुश्किल होता था, तो ये दवाखानों में जाते थे, लोग इंजेक्शन देते थे, वो पेन किलर्स वगैरह सब देते थे, यहाँ तक के उन लोग कुछ घुटनों में वो लिक्विड जेल बोल के होता था वो डाले, मगर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत परेशान रहते थे क्या करेंगे। इंडिया भी गए, फिर वहाँ पे भी इलाज कराए, कुछ दवाखानों में गए, कोई असर नहीं हुआ। मगर ये जब से नुस्खे देखे और इस पर हम कायम हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छे चल रहे हैं फिर रहे हैं भाज के साथ सामने आ गए। हकीम सुलेमान खान साहब से आप कैसे जुड़े? ये टीवी के ज़रिए ही शुरू हुआ। ये टीवी प्रोग्राम हम लोगों के पास चलता था, जब भी हम लोग देखते थे तो ये सुनते थे कि अरे उनका वो अच्छा है प्रोग्राम में ये ऐसे, और वहाँ से कई लोग भी मंगा रहे हैं। तो वो हमारे पास भी, मैं हमारे ये अलगोरियर में जब मैं काम कर रहा था, उन्होंने हमारे जो ओनर है उनको भी सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं आता था, उनको भी मैं वो आपके हकीम साहब का नुस्खा का बताया था,
तो वो लोग तो खैर बड़े आराम से, उनको तो मुश्किल नहीं हुई, उन लोग भी खाना शुरू करे, उन्होंने भी अच्छे हो गए, उन्होंने भी अभी चल रहे हैं, उन्होंने तो 90+ है जी, मगर अब चल रहे हैं अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको जब ये आप बता रहे हैं 5 साल पहले घुटनों के दर्द की समस्या शुरू हुई, कितनी तकलीफ होती थी, आप बता रहे हैं कि आप सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ नहीं 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 चढ़ सकते थे, बिल्कुल मुश्किल होती थी, बैठना उठना मुश्किल था, बहरहाल बहुत परेशान रहे, इलाज कराते रहे, इधर गए उधर गए, कोई यानी उसका कोई हल ही नहीं था हमारे को। अल्टीमेटली ये जब सुनते थे हम तो ये दवायाँ यहाँ मालूम करे तो मिल गए हर्बल मेडिसन्स में, हमको दवायाँ ये सुलेमान खान के दवायाँ मिले तो वो खाने लगे, और सियागोन तो आपके दुबई में जो आपके वो है तो उनके पास से सियागोन लिए, असली था, अक्सर बोलते रहते हकीम साहब के जो है असली गोन अगर है तो आपको एक ही उसमें फ़ायदा हो जाएगा, और उस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से वो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, हम लोग अच्छे हो गए। अच्छा माशा। तो ये आपने कितने वक्त पहले, कितने समय पहले लेना शुरू किया नुस्खा? मैंने अराउंड 2 ईयर्स हो गए, यानी 5 साल से आपको ये समस्या थी, 3 साल आप लगातार इलाज कराते रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और हकीम साहब का नुस्खा लेने के बाद विद इन आई थिंक इट वाज जस्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स हमको ज़रा चलना उठने में आसानी होने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाते रहे तो जब भी हम चलने भी लगे, सीढ़ी भी चढ़ने लगे, तो हम भी बोले भाई वाकई बिल्कुल ये क्या बोलते करिश्मा बोलते ना वो वैसा लगा, तो बहुत खुश हो गए, बेगम को भी बड़ी अच्छी यानी आसानियाँ होने लगी, नहीं तो बहुत परेशान थे, एक दूसरे डिपेंडेंट बच्चे को बोलो वो लाओ ये रखो वहाँ उठाओ ये रखो, अरे बहुत परेशान थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि जो है ये रास्ता बन गया, और हम भी कोई भी मिलते हैं तो उनको भी बोलते हैं कि भाई देखो ये है, तो वैसे कुछ लोग लेना शुरू करे हैं वो। अच्छा, वो तो उन लोगों ने भी सुनाए थे फ़ायदा है। ये बताइए कि जब आपको घुटने की प्रॉब्लम हुई, आपकी बेगम को कमर की प्रॉब्लम हुई, साइटी का उनको हो गया, जाहिर बात है पूरा परिवार चिंता में आ गया होगा, क्योंकि आपको भी आपकी बेगम को भी और घर में 2 बुज़ुर्ग हैं जिनको समस्या हो गई, अब ना चल फिर सकते हैं ना बाहर घूम सकते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आ गई? बस ये जब से हम लोगों को ये ख़ासकर ये नुस्खे खाने लगे तो ज़रा चलने फिरने में ज़रा यानी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ आसानी महसूस हुई, चलना उठना फिरना हो गया, घर का घर में जो करते थे, तो उससे होते होते आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे हो गए हम, बिल्कुल नॉर्मल हो गए। उस समय क्या माहौल बन गया था घर का? जब तो बहुत परेशान, स्पेशली बीवी का जो सियाटिका था ना, उनको दवाखाने को भी लेके जाने को मैं भी परेशान था, और फिर एम्बुलेंस बुला लेते थे, एम्बुलेंस आती थी लेके चले आती थी, फिर हम लोग भी उसके पीछे चले जाते थे, टैक्सी में बैठे चले गए, मगर कोई भी ज़्यादा वो नहीं हुआ, हालांकि उन्होंने एडमिट भी हुए थे दवाखाने में, उनको इंजेक्शन दिए थे, ऑपरेशन के लिए बोले, मेरे भी ऑपरेशन को बोले थे उनके भी, मगर ऑपरेशन नहीं कराए, वो डॉक्टर वहाँ का खुद बोला मैं एक इंजेक्शन देता हूँ उससे आपको थोड़े दिन के लिए रिलीफ मिलेगा, तो दिए, उससे हुआ थोड़ा रिलीफ, मगर जब से ये दवा खाने लगे हकीम सुलेमान साहब पे, तो शी इज़ रियली वर्किंग वॉकिंग एवरीथिंग बोथ ऑफ अस। तो जब डॉक्टर ने आपको भी ऑपरेशन के लिए कहा, आपकी बेगम को भी ऑपरेशन दिए, थोड़ी सी घबराहट हुई कि अब क्या होगा जिंदगी? घबराहट तो छोड़ो, हम लोग यही सोचे कि फिर हमको देखने वाला कौन रहेगा, ले आने ले जाने वाला भी कोई नहीं है, अब बच्चे तो बेचारे अब अपने कामों में मसरूफ रहते दिन के टाइम शाम के टाइम, वो तो हम परेशान थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि रास्ता बन गया, ये नुस्खे काम आ गए, और अब आज आपके सामने बैठे हुए। तो क्या कहना चाहेंगे हकीम सुलेमान खान साहब के लिए? हकीम सुलेमान साहब का यही है कि जो है लोग जो है समझते, अगर सही मानों में अगर चलते हैं तो यही घरेलू नुस्खे जो रहते, दवाओं में आपको कोई फ़ायदा नहीं, वक्तिया तौर से जो भी होता वो होता, मगर कोई यानी इट इज़ नॉट अल्टीमेट सॉल्यूशन, ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं इसके अंदर वाकई जो है आपको असली जो भी इलाज होता उसका सही होता, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बट इट वर्क्स वेरी वेल। तो आपका ये मानना है कि आपने लगातार सालों तक इलाज कराया, चल फिर नहीं सकते थे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे, लेकिन गोंसिया खाने के बाद आपकी समस्या पूरी तरह बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठे आपके सामने सब काम कर पाते हैं, रेस्टोरेंट में जी संभाल पाते हैं, बिल्कुल आराम से चल रहा है जी। तो ये हैं रस्तू अली साहब हमारे साथ जो शारजा में रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, इनके बारे में आपने जाना, चल फिर भी नहीं सकते थे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे, परेशान थे ये और इनकी बेगम, पूरा परिवार एक तरह से मायूस हो चुका था, इलाज करवा के थक गए थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी कह दिया, लेकिन आखिरकार गोंसिया हकीम सुलेमान खान साहब का नुस्खा काम आया जिसने इनको इनकी बेगम को ठीक किया। एक बहुत अच्छी बात हमें ये पता चली है कि आप तो गोंसिया ले रहे थे लेकिन जो UAE का एक बहुत बड़ा डेवलपर है यानी अल गुरैर के जो ओनर हैं, जो बहुत बड़े बिल्डर हैं या उनके होटल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं,
उनको भी आपने रिकमेंड किया था? उनको भी ज़रा प्रॉब्लम चलने फिरने का हो रहा था, तो उन्होंने वैसे भी इंडिया जाते आते रहते थे अक्सर, तो उनको भी मैं बताया कि जो है ये ऐसा है गोंसिया का है, तो उन्होंने उस पर भी उन्होंने भी थोड़ा अमल करे, उन्होंने भी चलने फिरने लगे। अच्छा, उनको दिया आपने ले जाके, तो वो खाने के बाद वो भी ठीक हुए? वो भी बहाल है अभी, उन्होंने भी बहुत बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ दिखाया आपने। जी, आपने इतना समय हमें दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हम ये भी कामना करते हैं कि आप, आपका परिवार, आपकी बेगम, सब लोग खुशहाल ज़िंदगी बिताएं, और ऐसे ही हकीम साहब को आप दुआ भी देते रहें। लेकिन हम जाने से पहले एक मैसेज, क्योंकि हो सकता है हकीम सलमान खान साहब आपकी बातों को सुने, क्योंकि जज्बाती शख्स हैं और वो चाहते हैं कि आप जैसे लोग रोग मुक्त हो जाएं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हकीम साहब तो बिल्कुल सादे सीधे इंसान हैं, बिल्कुल सही तरीके से बात करते हैं, कोई उनके बातों में ऐसे बनावटीपन नहीं महसूस होता, बिल्कुल साफ सीधा बोलते हैं आप खाएं, और उन्होंने ये भी बोलते हैं कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा मगर वो नुस्खा ना छोड़ें, खाएं और आपको उसका फ़ायदा होगा। वो और हकीकत में उन्होंने जो बोलते हैं बिल्कुल सफाई से बोलते हैं, कोई उनके अंदर कोई रुकावट, कोई बनावट किस्म की बात नहीं होती, सही हकीकत बात करते हैं। तो ये हैं रस्तु अली साहब, जो शारजा के निवासी हैं, हम मौजूद हैं शारजा में, यूएई में ऐसे ही हज़ारों मरीज़ हैं जो किसी रोग से पीड़ित हैं, लेकिन हकीम सलमान खान साहब का नुस्खा लेकर, उनकी दवाइयां लेकर वो रोग मुक्त हुए हैं। तो उनसे आपको हम ऐसे ही मुसलसल मिलवाते रहेंगे। अब आप रखें अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।